नमस्कार युवा साथी, आप देख रहे हैं आरपीएस हॉट स्पॉट स्टडी चैनल। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं, प्रीतम कुमार साई। और आपके सामने पेश है इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का कुछ टॉपिक, वो आपका है कॉम्प्लेक्स नंबर, जो कि 11th क्लास के लिए बेसिक टॉपिक है और पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर और सेकेंड सेमेस्टर के लिए कारगर है। तो युवा साथी देखेंगे कि तो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम देखते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या। तो कॉम्प्लेक्स का मतलब ही है कि रियल और इमेजिनरी, गौर करेंगे रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को ही कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और ये देखेंगे कि सबसे पहला कि इसे डिनोट किससे करते हैं, रियल और इमेजिनरी का मतलब क्या है, इसको समझेंगे। तो रियल और इमेजिनरी का मतलब नंबर नहीं है, रियल और इमेजिनरी का मतलब यहां पार्ट्स है। तो सबसे पहले देखें इसमें पढ़ना क्या है, बेसिक टॉपिक कॉम्प्लेक्स नंबर में सबसे पहले आपको पढ़ना है इंट्रोडक्शन, किसका सर, कॉम्प्लेक्स नंबर का। उसके बाद पढ़ना है एप्लीकेशन, किसका, कॉम्प्लेक्स नंबर का। एप्लीकेशन में क्या क्या पढ़ेंगे, आपका एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन और क्या चीज, डिवाइडेशन। बस चार ही एप्लीकेशन पढ़ना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, पढ़ना है मॉडुलस, पढ़ना है आपको कंजुगेट, कंजुगेट पढ़ना है आपको, मल्टीपल इनवर्स। एक एक टॉपिक करके सबको क्लियर करते जाएंगे। पढ़ना है आपको स्क्वायर रूट, पढ़ना है आपको क्यूब रूट्स, पढ़ना है आपको डीएम थ्योरम, डीएम मतलब डी मायवर्स थ्योरम, ये टॉपिक पढ़ना है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, इंट्रोडक्शन में बेसिक टॉपिक क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन की बात करते हैं, मैंने सीधा बोला रियल और इमेजिनरी का कॉम्बिनेशन होगा, उसी को आप कॉम्प्लेक्स नंबर कहेंगे। इसे जो डिनोट करते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, किससे करते हैं, जेड से, जेड से कॉम्प्लेक्स नंबर को आप रिप्रेजेंट करते हैं। युवा साथी इसका कुछ अपना एक फॉर्म होता है, यानी जेड बराबर आप लिखते हैं एक्स प्लस आई वाई, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्मेट है। सवाल उठता है एक्स क्या है, वाई क्या है और आई क्या है, यही बात उठता है, सबके मन में उठता है। तो लोग क्या कहेंगे, एक्स रियल नंबर है, वाई अनरियल है, यानी इमेजिनरी, गलत बात है। एक्स वाई दोनों रियल नंबर्स हैं और आई जो है ये आपका आयोटा है, आयोटा एक वैज्ञानिक थे, उन्हीं के नाम पर ये आई, आई जो है इमेजिनरी को रिप्रेजेंट करता है। और ये दोनों रियल नंबर है, लेकिन जब यहां आते हैं तो एक्स जो है ये रियल पार्ट्स हो जाता है और आई और वाई दोनों जब साथ रहता है तो इसको बोलते हैं इमेजिनरी पार्ट्स। इसलिए बोलते हैं युवा साथी क्योंकि इसमें आयोटा का प्रयोग हो गया है। एज फॉर एग्जाम्पल की जब बात करते हैं तो थ्री, थ्री कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है, लेकिन अगर इसी को ऐसा लिखेंगे थ्री प्लस फोर आई तो कॉम्प्लेक्स नंबर है, क्योंकि रियल इमेजिनरी दोनों पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। आप लिखेंगे फाइव माइनस सिक्स आई है, क्योंकि रियल भी है और इमेजिनरी पार्ट्स का कॉम्बिनेशन है। अगर ऐसा लिखेंगे फोर आई तो ये है, कैसे, इसको ऐसा लिख सकते हैं जीरो प्लस फोर आई, तो ये रियल भी हो गया, रियल ये हो गया, ये इमेजिनरी हो गया। तो आप इस तरीका से आप इसको करते हैं। अब हम जानेंगे इंट्रोडक्शन में आगे कैसे काम करना है, क्योंकि इंट्रोडक्शन में आपको एप्लीकेशन, इंट्रोडक्शन के बाद पढ़ना है एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन को पढ़ने के लिए कुछ बेसिक चीजें की आपको जानकारी रखनी है, वो बेसिक चीजों इंट्रोडक्शन में पढ़ना पड़ेगा। तो कैसे पढ़ेंगे कि वो आपका एप्लीकेशन आसानी से हो जाए और पूरा चैप्टर आसानी से हो जाए युवा साथी, तो हम उसको देखते युवा साथी। पहले इसको स्क्रीनशॉट आप लोग ले लें। तो अब देखेंगे इंट्रोडक्शन में कॉम्प्लेक्स नंबर में और बेसिक क्या क्या चीजें, तो नोटेबल पॉइंट्स हैं, क्या नोटेबल पॉइंट्स हैं, गौर करने की बात है। सबसे पहला नोटेबल पॉइंट्स, एक चीज याद रखेंगे,
आई स्क्वायर का मान माइनस वन ही, बस ये वर्ड याद रखेंगे पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा। देखते हैं कैसे, आई स्क्वायर बराबर माइनस वन, तो बताइए आई बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर जब हटेगा तो रूट आ जाएगा, यानी आई बराबर हो गया अंडर रूट माइनस वन। तो अब देखिए, अगर आपको आई क्यूब निकालना हो, क्या चीज आई क्यूब, इसको ऐसा लिख सकते हैं वैसा थी, आई स्क्वायर इंटू आई, और आई स्क्वायर का मान आप क्या जानते हैं, अभी जस्ट जाने माइनस वन, माइनस वन और आई को आई ही रहने दीजिए, क्या हो जाएगा माइनस आई हो जाएगा। अगर आई पर पावर फोर है तो क्या लिखेंगे, आई स्क्वायर इंटू आई दो तो चार। अब देखिए आई स्क्वायर का मान कितना है, देखिएगा वर्ष माइनस वन गुना इसका भी मान क्या माइनस वन, माइनस वन माइनस वन क्या हो जाएगा प्लस वन हो जाएगा। तो इसी तरह अगर आई पर पावर फोर कहेगा तो ऐसा लिख सकते हैं बात साथी, गौर कीजिएगा, आई स्क्वायर माइनस प्लस आई, तो दो दो चार एक पांच, बताइए इसका मान क्या, वन वन इंटू आई बराबर आई। आई पर पावर टेन करना हुआ क्या करेंगे, ऐसा लिख सकते आई स्क्वायर आई स्क्वायर आई स्क्वायर और आई स्क्वायर है ना, दो दो चार छ आठ और दस, चलिए इसको इसको करेंगे तो क्या हो जाएगा वन, इसको करेंगे तो वन, आई क्या बच जाएगा माइनस वन, तो फाइनल आंसर क्या हो जाएगा माइनस वन। आप युवा साथी इस तरीका से आप आसानी पूर्वक कर सकते हैं। उसी तरह अगर आई पर पावर आपको सपोज दैट मान लिए कि 50 पूछ दिया तो भी बना सकते हैं, देखिए इसको आसानी से पहले ऐसे करेंगे गौर कीजिएगा, आई स्क्वायर ठीक है, पावर कितना रखेंगे गौर कीजिएगा, एकदम समझने का चीज है, कोई दिक्कत नहीं होगा, रखेंगे आपको 25। अब गौर कीजिएगा कि अगर गौर करने की बात, आई स्क्वायर का मान क्या होता है माइनस वन, 25 दूनी 50 और आई पर पावर 25 माने माइनस वन पर पावर 25, बताइए तो कितना हो जाएगा, तो माइनस वन पर पावर 25 हो जाएगा माइनस वन, कैसे, तो माइनस वन को देखिए 24 तक आएंगे तो प्लस हो जाएगा, 12 का जोड़ा लगेगा 12 का जोड़ा, लेकिन एक बच जाएगा तो वो आपका हो जाएगा माइनस वन। तो आप किसी भी सवाल को, जैसे यही आप पर था आई पर पावर 10, इसको इतना जो लिखे इसको शॉर्ट टर्म बना सकते, आई पर पावर 10 था, इसको क्या लिखेंगे आई स्क्वायर पर पावर 5। तो थोड़ा सा इसमें आपको करना क्या पड़ेगा, तो देखिए आई एस यानी माइनस वन पर पावर 5, अब देखिए तो माइनस वन पर पावर 5 है तो आपका क्या हो जाएगा माइनस वन, तो 4 तक तो हो जाएगा प्लस, लेकिन फिर बच जाएगा लास्टली क्या माइनस, आप यहां भी माइनस ही लाए, कितना भी बड़ा हो, जैसे सपोज दैट आप लाते हैं आई पर पावर, गौर कीजिएगा 80 ले आते हैं, क्या चीज आई पावर 80, इसका निकालना है, देखिए आई स्क्वायर पर पावर कितना रख दीजिए 40, 40 दूनी 80 माइनस वन पर पावर 40, तो ये अब हो जाएगा वन, का है जोड़ा आ गया मैंने 20 20 का जोड़ा लगेगा, लेकिन इसमें तो लग नहीं पा रहा था इसलिए ये वन हुआ और ये माइनस वन। तो आप इस तरीका से आप बेसिक चीजों को समझ, और इसमें याद सिर्फ रखना है कि आई स्क्वायर बराबर माइनस वन, बस और कुछ नहीं याद रखना है, वैसा पूरा का पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो हम देखेंगे अभी कि एनसीईआरटी का एनसीईआरटी के कुछ क्वेश्चन को देखेंगे कि क्या इससे बेस्ट कैसा सवाल आता है, तो हम देखते हैं युवा साथी, इसलिए आप लोग फटाक से स्क्रीनशॉट लीजिए और हम एनसीईआरटी के क्वेश्चन को भी जस्ट देखते हैं। तो युवा साथी हमने आपको बोला कि एनसीईआरटी एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 5.1 की बात हम कर रहे हैं, कहा है क्वेश्चन में कि एक्सप्रेस द जो ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन इन द क्वेश्चन 1 to 5 इन द फॉर्म ऑफ ए प्लस आई वी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर के स्टैंडर्ड फॉर्म में इसे बनाने की आवश्यकता है। तो हम देखिए क्या करते हैं, ये आपका सिंपल चीज दिया हुआ है, तो देखिए क्या है आपका मल्टीप्लीकेशन है, गौर करने की बात है, मल्टीप्लाई कीजिए, तो देखिए क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपल सा ये 5 5 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचा क्या गौर कीजिएगा -3 और आई तो क्या हो जाएगा आई स्क्वायर, गौर कीजिएगा अभी जस्ट पर आएंगे आई स्क्वायर का मान -1 तो क्या हो जाएगा फाइनल आंसर 3 हो जाएगा। अब क्या करते हैं कि आई पर पावर 9 है और आई पर पावर क्या है 19 है, तो आई पर 9 को क्या लिख सकते हैं और 19 को क्या लिख सकते हैं, ये सवाल सबसे बड़ा चीज होता है सर।
तो आप देखिएगा क्या करते हैं, आई पावर नाइन है, आई पावर नाइन को क्या लिखा, ऐसा लिख सकते हैं 2 पर आई स्क्वायर पर पावर क्या है 8 इंटू क्या आई, सॉरी 4 इंटू आई, तो 4 दुनिया 8 एक 9 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं आई पर स्क्वायर पर पावर, गौर कीजिएगा, तो लिख सकते हैं 8 इंटू यानी 8 दुनिया 16 2 इंटू आई लिख सकते हैं सर। अब क्या करते देखिए 8 दुनिया 16 2 18 1 19 चलिए हो गया, इसको क्या लिखेंगे आई स्क्वायर को माइनस 1 पर पावर 4 चलिए इंटू क्या आई, चलिए इसको क्या लिख सकते हैं प्लस माइनस 1 पर पावर 8 इंटू माइनस 1 इंटू आई, यही ना सर, देखिए माइनस 1 पावर 4 तो 1 हो जाएगा 1 इंटू आई आई, चलिए ये हो जाएगा प्लस 1, अभी माइनस आई ये आपका माइनस 1 आया तो माइनस 1 को आई करेंगे तो माइनस आई कट गया, ये क्या आ गया सर 0 आ गया, तो ये आंसर आ गया सर। और अब आया सर y पर पावर माइनस 39 है सर, माइनस 39, इसको देखिए कैसे बनाएंगे, डरना नहीं है, इसको ऐसा लिख सकते हैं देखिएगा 1/39, गौर करने की बात है 1/i/39 लिख सकते हैं, बात साथ ही तो लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं 1/ इसको क्या लिखेंगे आई स्क्वायर, गौर कीजिएगा 18 दुनी 36 इंटू 238 39 पुट तो गया, तो देखिए 1/ माइनस 1 पर पावर 18 तो कितना हो जाएगा 9 का जोड़ा लगेगा प्लस 1 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा माइनस 1, माइनस 1 इंटू आई माइनस आई हो गया। इसको और थोड़ा सा करेंगे कैलकुलेट, ऊपर नीचे रेशनलाइजेशन कर दीजिए, तो क्या करेंगे आई बटा नीचे क्या हो जाएगा माइनस आई स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, क्योंकि आई स्क्वायर का मान माइनस है, माइनस माइनस प्लस, कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आ गया आई आ गया। चलिए ये बात सही, अब करते हैं इसकी बात, पहले 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो क्या हो जाएगा 27 और 27 आई ठीक है, चलिए प्लस इसको मल्टीप्लाई कीजिए क्या आ जाएगा 7i और ये क्या आ जाएगा 749 आई 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 स्क्वायर, सॉरी एक मिनट ये 7i हो गया, ये हो जाएगा 7i स्क्वायर, सॉरी इसको फिर से गुना करेंगे तो 7i स्क्वायर। अब देखिए एक जाति वाले को एक साथ कीजिए, देखिए तो 7i स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आई स्क्वायर माइनस 1 माइनस 7 21 आपका यहां पर 21 में से 7 चला गया, गौर कीजिएगा तो कितना हो जाएगा आपका 14 प्लस ये आप जोड़ दीजिएगा कितना हो जाएगा 28 आई हो गया, एक जाति वाले जुट गए। अब पांचवा क्वेश्चन है आपका, देखिएगा गौर करके, सबसे पहले लिखेंगे 1 माइनस आई है ब्रैकेट तोड़ दीजिए क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1 और इसको करेंगे तो माइनस 6 आई होगा सर, हो जाएगा सर। अब देखिए अब फिर एक जात वाला तो 1 1 2 एक जात वाला क्या हो जाएगा माइनस 7 आई 6 1 7 आई, तो इस तरीका से आप आसानी पूर्वक सॉल्व कर सकते हैं। इसके लिए हमने आपको क्या बताया, एक ही चीज बताया सिर्फ क्या आई स्क्वायर बराबर माइनस 1, याद रखिए पूरा का पूरा क्वेश्चन आपका बन गया युवा साथी। तो युवा साथी आपका एनसीईआरटी एक्सरसाइज 5.1 का 1 से 5 तक यही सवाल था और आप इसको आराम से आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट लीजिए।